दोस्तों, क्या आपके गुलाबों पर भी कलियां काली हो रही हैं और पत्ते अजीबोगरीब तरीकों से मुड़ रहे हैं? तो ये थ्रिप्स का हमला है। इस वीडियो में मैं आपको थ्रिप्स की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, थ्रिप्स का हमला न सिर्फ गुलाबों पर होता है, ये वेजिटेबल गार्डन और ऑर्नामेंटल सारे के सारे जो पौधे हैं इन पर भी होता है। एक होशियार गार्डनर को पता होना चाहिए कि उसके गार्डन में कौन सा रोग आया है। आपके कोई भी पौधे पर तीन तरीके से हमला हो सकता है। पहला हमला हो सकता है किसी भी फफूंद का, दूसरा हमला हो सकता है किसी भी कीड़े का, और तीसरा हमला हो सकता है किसी भी वायरस का। ये थ्रिप्स कीड़े के कैटेगरी में आता है। इन थ्रिप्स को थंडर फ्लाइज या फिर ब्लैक फ्लाइज भी कहा जाता है। इनका आकार 1 mm से लेकर 2.5 mm तक बड़ा होता है। इनका आकार इतना छोटा होता है दोस्तों कि ये खुली आंखों से जल्दी से दिखते भी नहीं, इसीलिए इनका हमला पहचानना मुश्किल हो जाता है। सुई की नोक के जितना आकार रखने वाले ये कीड़े पत्तों के नीचे छुप जाते हैं और पौधे से उसका रस चूसते हैं। इसी वजह से पत्तियां काली हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसे इंग्लिश में कर्लिंग भी कहा जाता है। ये थ्रिप्स कलियों पर भी हमला करते हैं और इसी वजह से कलियां काली हो जाती हैं। इनका खाना कलियों के अंदर जो पोलन्स होते हैं वो भी होता है। कलियों पर हमला होने की वजह से कलियों का आकार बहुत बिगड़ जाता है और ओपनिंग सही तरीके से नहीं होता। आपके बगीचे पर अगर थ्रिप्स का बहुत ही बड़ा हमला हो गया तो कलियों पर बॉलिंग की समस्या आती है। बॉलिंग की समस्या का मतलब ये है कि कलियां ओपन ही नहीं होती। थ्रिप्स का हमला पूरे के पूरे साल कभी भी आपके बगीचे में हो सकता है, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तब थ्रिप्स हमला करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब मार्च से लेकर लगभग नवंबर तक हमारे देश में थ्रिप्स का हमला ज़्यादा होता है। दोस्तों, थ्रिप्स का हमला पहचानने का एक बहुत ही सीधा साधा और सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रिप्स फूलों के अंदर जो पोलन होता है उन्हें भी खाते हैं, तो इसीलिए आप आपके बगीचे में जाइए, कोई भी फूल लीजिए, उसे सही तरीके से आपके हाथ के ऊपर शेक कीजिए और अगर उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हुए आपको दिख जाए, इसका मतलब थ्रिप्स का शुरुआती हमला आपके बगीचे पर हो गया है और इसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रिप्स से बचने के दो उपाय मैं आपको बताता हूँ। इनमें से पहला उपाय है स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप एक ऐसा पिंजरा है जो बहुत सारे कीड़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके ऊपर कीड़े चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। नीले और पीले रंग के स्टिकी ट्रैप बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, उन्हें आप आपके बगीचे में ज़रूर लगाएं। स्टिकी ट्रैप थ्रिप्स के साथ साथ बहुत सारे बाकी कीड़ों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें मार डालता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ नीले रंग के स्टिकी ट्रैप को थ्रिप्स को मारने के लिए रेकमेंड करती हैं। स्टिकी ट्रैप लगाने का एक और भी फायदा है। अगर किसी बड़े कीड़े का अटैक आपके बगीचे पर होने वाला है तो वो कीड़ा स्टिकी ट्रैप में आपको दिख जाता है और उस तरीके से आप स्प्रे करने का प्लानिंग कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप से कीड़े कंट्रोल में तो आ जाते हैं, लेकिन सारे के सारे कीड़े नहीं मरते। इसीलिए स्टिकी ट्रैप के साथ साथ आपको स्प्रे लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा दूसरा उपाय है स्प्रे। कॉन्फिडोर या फिर जर्मन टेक, इन दोनों में से कोई भी एक
पेस्टिसाइड आप ले लीजिए। 1 ml पेस्टिसाइड 1 लीटर पानी में सही तरीके से मिक्स कर लीजिए और पौधों पर स्प्रे ले लीजिए। स्प्रे करते वक्त ध्यान रखिए कि पत्तियों के नीचे से भी स्प्रे सही तरीके से होना चाहिए, तभी थ्रिप्स मर जाएंगे। अगर आपको मैंने बताए हुए ये दोनों ब्रांड्स नहीं मिले तो साइपरमेथ्रिन या फिर इमिडाक्लोरोपिड ऐसा कंटेंट जिन पेस्टिसाइड्स में है, ऐसा कोई भी पेस्टिसाइड आप ले लीजिए। 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और उनका स्प्रे ले लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके बागवानी करने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।